मुजफ्फरनगर में आप किसी सेमिनार में गए थे, कहाँ सेमिनार था और क्या वहाँ पे पूरा प्रकरण हुआ उसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। मुजफ्फरनगर में ये अमान सर के थ्रू एक सेमिनार था, वंडरसॉफ्ट कंपनी वालों ने जावेद को एज ए चीफ गेस्ट और केमिकल सिखाने के लिए बुलाया हुआ था, तो हम लोग भी वहाँ कुछ काम सीखने के मकसद से ही गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है वहाँ पर था ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम वहाँ 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, मैं एक तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी, तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया है कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया, और थूकते ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं, और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो, और देखो मैंने कितनी थूक की मात्रा इस्तेमाल की है। ये वीडियो क्लिप में मेरे हस्बैंड बना रहे थे संजीव गुप्ता, उनके पास ये प्रूफ है। उसके बाद नीचे उतर कर स्टेज पर मैं कटिंग शीट उतर के नीचे आ गई, उन्होंने उनके असिस्टेंट ने मेरे को कहा कि मैडम आप ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं था, हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों ने वहां मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो वहां से हम निराश होकर बड़ौदा आ गए। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जब भी किसी से कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि ये इतना बुरा बिहेवियर है, इतनी बड़ी हस्ती और कैसा उसका नेचर, ऐसे टिप्स अगर हम अपने पार्लर में इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमसे हेयर कट क्यों कराए, हम वहां सीखने गए थे या अपनी इंसल्ट कराने गए थे। मेरा तो करियर उन्होंने चौपट कर दिया। मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे ये वर्ड कहे हैं कि मैडम उसने आपके सिर में थूक दिया, अब आपकी क्या इमेज रह गई।